हेलो फ्रेंड्स, हाय, और सभी मेरे व्यूअर्स को हैप्पी वुमेंस डे। आज है वुमेंस डे, आज है मार्च के 8 तारीख, और मैं आज आपको ये वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं इंडोर्स प्लांट्स की जो है वो मैं कैसे मेंटेन रखती हूँ और कैसे करती हूँ मैं उसकी देखभाल। ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स में क्या होता है कि घर में पानी फैलने की वजह से या मिट्टी की आजे मारने की वजह से थोड़ा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज बताऊंगी आपको सिंपल तरीके से आप किस तरह के मैं आपकी पौधों की केयर आप कर सकते हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो में डाला था तो मुझे अच्छी बहुत सारे कमेंट्स मिले थे जो मेरी इंडोर प्लांट के बारे में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबको धन्यवाद बोलूँगी। और मैं आज दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। और मैं फर्टिलाइज़र तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत मैं करती हूँ, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैं सारे मेरे जो भी प्लांट्स हैं इस प्लांट्स को मैं बहुत कम कम पानी डालती हूँ, और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या 4 दिन जैसी धूप या जैसी क्लाइमेट हो वैसे इस हिसाब से मैं इनको पानी देती हूँ, और बहुत कम में देती हूँ। और सब लोग पूछ रहे थे कि आप इस तरह की वॉल में जो प्लांट्स लगा के रखी है उनमें प्लांट पानी आप कैसे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पानी देती हूँ तो बहुत कम देती हूँ, और देखिए मैं थोड़ी सी मैं सुबह में ही पानी डाली हूँ और मैं थोड़ी थोड़ी अभी भी आपको डालकर बताऊँगी। बहुत कम, देखिए यही से मैं इतनी छोटी सी जग में और थोड़ा सा पानी ऐसे डालेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नीचे पानी थोड़ी थोड़ी तो आएगी, आप उसे पोछना पड़ेगा। इसके सिवा आपकी दीवार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं तो यहाँ काफ़ी सालों से यहाँ पर प्लांट्स लगाई हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई। और मैं सारे प्लांट्स को है थोड़ी थोड़ी ऐसे ही कम कम पानी जो है वो देती रहती हूँ, और ज़्यादातर मैं इन पौधों में ऊपर से स्प्रे करती हूँ। स्प्रे करने से क्या होता है जो है वो बहुत ही फ्रेश दिखने लगेगी, और इससे जो है आपके पौधे हमेशा हरा भरे रहेंगे। और सारे इंडोर्स प्लांट जो है वो बिना धूप के तो आपको बढ़ेंगे नहीं, बिना धूप के कोई भी पौधा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि पत्तों की कलर के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ हेल्थ के लिए धूप जो है बहुत ज़रूरी है। आप इंडोर प्लांट्स से समझकर आप इसे बिना धूप दिखाइए, आप अंदर नहीं रख सकती है। अगर अंदर रखेंगी तो 1-2 दिन में आप धूप उसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है, आप मिट्टी हमेशा थोड़ी सी बुरबुरे से मिट्टी, थोड़ी सी रेत वाली मिट्टी आप इसमें रखिएगा, और उसके साथ जो है हमेशा थोड़ी गुड़ाई करती रहना। और 2 साल के ऊपर जो भी आपके गमले हैं आप उसको हमेशा थोड़ा सा चेंज करते रहिएगा। पूरा नहीं कर सकते तो ऊपर का थोड़ा सा मिट्टी आप ज़रूर चेंज करिएगा। इससे क्या होता है, नए मिट्टी में वो नए पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये वाला प्लांट देखिए, मेरे पहले वाला जो इंडोर प्लांट्स की जो वीडियोस थी आप उसमें देखिए, ऐसे था तो उसमें एक भी फ्लावर नहीं आ रही थी। तब मैंने क्या किया, इस पीस लिली को 2-3 प्लांट्स में इसको डिवाइड करके मिट्टी चेंज करके थोड़ी सी खाद दे, खाद तो मैं बहुत कम देती हूँ, इसको 3-4 प्लांट्स में मैंने इसको लगा लिया, और लगाई उनके ऊपर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ अभी इसके फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। यहाँ पर एक हो रहा है और ये एक है, 2 है, तो देखिए। और इसमें भी यहाँ जो थोड़ा सा मोटा, तो देखिए यहाँ पर स्टेम जो थोड़ा सा मोटा हो गया है, यहाँ पर भी फ्लावर निकलने वाला है, और निकलने के बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और जो खाद मैं देती हूँ वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी।
फ्रेंड्स देखिए मैं इन सब में बांध के रखी हूँ। क्या बांध के रखी हूँ मैं आज आपको दिखाती हूँ। देखिए क्या हुआ, किचन वेस्ट जो है और उसके बाद जो भी डिकम्पोज होने वाला जो भी चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर है फल की छिलके, पूरे जो बनाना, ये देखिए बनाना है, इसमें तरबूज है और ये सपोटा का है और जो भी फलादार का है, जो भी आप खाते हैं वो सब फल घर में निकला हुआ जो फल है, सब्जी है, फल है और देखिए घर से निकला हुआ फूल, जो सूखे हुए फूल है, इस तरह के सभी आप क्या करना है, एक एक कवर में डालकर आप इनमें से इस तरह पॉलिथीन में, उसमें होल ना हो, उसमें थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरह पानी डालकर आप बांध कर, देखिए मैंने इस तरह से बैंड, ये रबर बैंड डाला है, तो आप उसे थोड़ा बांध के रखेंगे तो देखिए कुछ दिन के बाद, ये मैंने 15 दिन पहले रखा था, तो देखिए इसके अंदर जो है तो सड़ गया है सब, और ये तो मेरा बहुत पुराना है, 1 महीना पुराना है, इसके अंदर देखिए इस तरह से थोड़े से लिक्विड फॉर्म में जो है वो आपकी खाद तैयार हो जाती है। उसे क्या करना है आपको, थोड़ी सी पानी लेना है, पानी लेकर उसके अंदर, तो देखिए इससे जो लिक्विड वाला, इसमें तो मैंने कई बार निकाल चुकी हूँ, जो भी प्लांट्स हो आपकी, इंडोर हो आउटडोर हो जो भी है, तो देखिए इस तरह आपसे आप इनमें से पानी जो है वो निकालना है। निकलने के बाद आपको क्या करना है, और कुछ पानी इस पर डालकर ऐसे ही रबर बैंड भी डाल दो या थोड़ी सी तरह से गांठ बांध कर आप इसे साइड में रख दो, कहीं पर भी रख दो, धूप में छांव में धूप में रखेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ये धूप में रखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो है पानी में मिलाकर आप क्या करना है, अंदाजे से, ऐसा कोई नहीं है मेजरमेंट नहीं है, अंदाजे से निकाल कर आप ही इंडोर की हो या आउटडोर की हो जो है आपको थोड़ी थोड़ी करके, जो भी आप पानी डालते हैं पानी की जगह यही वाला पानी आप डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ा ऐसे ही थोड़े थोड़े आप उसे डालना है। और उसके बाद मैं इंडोर प्लांट्स के लिए और एक चीज़ मैं डालती हूँ, वो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जाइम हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, तो ये इस फॉर्म में होता है, आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का देकर आप क्या करेंगे, ये वाला लेकर आएंगे, इसे भी आप थोड़ी 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 मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आपको क्या करना है, क्योंकि एक 10-15 दाने आपको आपके सारे जो पौधों में है वो थोड़ी थोड़ी कर आपको डाल देंगे, बहुत कम आपको डालना है, महीने में एक बार या दो बार तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स एनफ, ओनली वन टाइम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये है यूरिया भी मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ, और जो है मैं पानी ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और ये जो यूरिया है ये भी हमारे पत्तों की ग्रोथ और कलर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं इसे भी हमेशा थोड़ी थोड़ी करके डाल देती हूँ, या इसको आप पानी में भी डाल सकते हैं, पानी में डालकर आप इस वाला पानी है जो आपके पौधों में जो है वो आप दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मिट्टी में भी आप इसे मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं। यही एक चीज़ है, मैं फर्टिलाइज़र जो भी डालती हूँ इतना ही, और उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ ऐसे ही, और कुछ जो भी रहता है वो मैं इसमें, इसके ऊपर भी थोड़े से मल्चिंग भी हो जाती है और खाद भी बन जाती है, तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर जो है मैं डालती रहती हूँ। आप देख सकते हैं अंडे का छिलका है और केला है, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाई थी, केला है या फूल सूखे हुए पत्ते हैं, फूल है, जो भी है मैं इसके अंदर ऐसे ही डालती रहती हूँ, पर ऐसे ही पूजा वूजा करती रहती हूँ, तो यहीं पर जो फूल सब रहते हैं मैं निकाल कर इसके पौधे में ऐसे ही डालती रहती हूँ। देखिए और डालने की वजह से क्या है, ऊपर का मिट्टी आपको एकदम खाद वाला नज़र आता है, देखिए बहुत एक महीने के अंदर आपको जो ऊपर की मिट्टी है उसकी टेस्चर ही जो है वो चेंज होती रहती है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी सड़ने के बाद आप उसे निकाल भी सकते हैं, निकाल कर पॉलीथीन बैग में भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो मिट्टी के अंदर इसे ऐसे ही आप दबा सकते हैं, मिट्टी के अंदर आप दबा देंगे तो ये भी यहीं पर
डिकम्पोज हो जाएगा, आपकी पौधों को जो है वो खाद भी मिलती रहेगी। तो इसकी रूट्स देखिए, हमेशा इसकी ग्रोथ होती ही रहती है। बहुत नए नए शूट्स देखिए ऐसे ही निकलते रहते हैं, मैं ऊपर से ऐसे काट देती हूँ तो यहाँ से ऐसे ही रूट जो है निकल। सिंगोनियम और इसकी कलर्स, इसकी पत्ती की साइज और कलर्स तो आप देखिए, सिर्फ इतनी सी आपको करनी है, आपकी वो अच्छा मेंटेन रहेंगे। और एक बात जो है वो आप कभी भी थोड़ी सी पेस्ट या कीड़े की कुछ भी लगे ऐसा हो तो मामूली सी आप नीम ऑयल स्प्रे कर दो, बस बहुत काफ़ी है इसके लिए। आप इंडोर में ही एक बड़ा सा जंगल जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा ही लगता है, देखिए सब लोग ऐसा ही करते हैं, कहते रहते हैं इंडोर प्लांट्स, मुझे कोई नहीं कहता आपको तुम्हारा इंडोर का ये जंगल नहीं दिख रहा है, ऐसा कहते हैं। बहुत प्यारा दिखता है यहाँ पर। धूप तो 1 बजे के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आने लगती है, 3-4 बजे तक रहती है, बहुत कम आती है। और ऐसे ही दोपहर में सुबह में इतनी यहाँ पर आप बैठ कर कुछ काम करेंगे तो मन बहुत हल्का हो जाएगा आपका। तो आप भी इस तरह से जो है इंडोर प्लांट्स ग्रो कर लीजिएगा। और आफ्टरनून को मैं थोड़ी सी यहाँ पे धूप आती है 2-3 बजे के बाद इस दीवार पर, तो मैं इस तरह से हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कभी 3 दिन, अभी समर है तो बहुत कम रखूँगी, लेकिन जितने दिन जब विंटर्स थे विंटर समय में तो मैं हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर मैं इधर रखती थी धूप के लिए। तो देखिए सारे जो प्लांट्स की जो कलर्स के लिए और ग्रोथ के लिए धूप बहुत ज़रूरी बन जाता है, तो हमें उसे फुली इंडोर नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो उन पत्ते जो गिरने लगेंगे या बढ़ेंगे नहीं, ऐसे मैनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मैं कुछ प्लांट्स को जो है छोटे छोटे जो बड़े हो कुछ भी हो मैं सबको इस तरह से क्या करती हूँ, थोड़ी सी धूप तो दिखाती हूँ। मैंने इधर भी एक हैंग कर रखा है और मेरे कुछ प्लांट्स को जो है इधर ही थोड़ी सी धूप आती है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इधर इन थोड़े प्लांट्स को जो है वो धूप इस तरह से अपने आप ही थोड़ा सा धूप निकलता है, इस साइड थोड़ा कम आता है। तो यहाँ पर धूप जो कम पसंद करते हैं उनको पौधों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके लिए दिखा रही हूँ।